के वीडियो में आपको बताऊंगा काफी लोगों को रॉम इंस्टॉलिंग में काफी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सबको देखने को मिल रहा है ये न्यू रॉम्स में, जो कि न्यू रॉम्स अगर आप फ्लैश करते हो तो यहाँ पे आपको एरर 1 का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का यहाँ पे इशू आपको देखने को मिल जाता है, अपडेट अ प्रोसेस एंडेड विद एरर 1। गाइस ये प्रॉब्लम क्यों आता है और किस तरह से आपको इसको फिक्स करना है आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे गाइस मैं जो रॉम इंस्टॉल कर रहा हूँ वो एवोल्यूशन एक्स का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 9 सितंबर को रिलीज हुआ था। इसे इंस्टॉलेशन में काफी सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पे सबसे मेजर इशू इसी का देखने को मिलता है। काफी सारे जो लेटेस्ट रॉम है आपको इंस्टॉलेशन में कुछ इस तरह का इशू देखने को मिलता है। ये गाइस ये प्रॉब्लम आपको 3 वजह से फेस करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपके डिवाइस में लेटेस्ट रिकवरी इंस्टॉल नहीं है इसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सेकंड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है अगर आपका फाइल करप्टेड है तो भी आपको कुछ इस तरह का इश्यू देखने को मिल जाता है। थर्ड इशू आपको देखने को मिलता है अगर आप कोई भी ओल्ड रॉम यूज करते हो, जैसे कि एंड्रॉइड 10 का रॉम यूज करते हो और 11 पे शिफ्ट होते हैं, तब यहाँ पे इस तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करना है और एमआरटॉल के सभी डिवाइस में आप ये प्रॉब्लम काफी इजीली फिक्स करते हो। कोई भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 रॉम यूज करना है, 2 सेम वर्जन का रॉम यूज करना है, 1 रॉम का जो ओल्ड वर्जन है एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड उसे यूज करना और 1 जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड 11 का उसे यूज करना है। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोई भी रॉम अगर आप इंस्टॉल करने जाते हो तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इशू देखने को मिल जाता है। तो इसको सबसे पहले फिक्स किस तरह करने का है, तो यहाँ पे अगर आप मैं आपको दिखा दूँ तो मेरा डिवाइस में लेटेस्ट रिकवरी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अबाउट सेक्शन में यहाँ पे R11 1.1 इंस्टॉल है। तो ये गाइस एक लेटेस्ट रिकवरी है एमआरटॉल की। अगर आपका डिवाइस में लेटेस्ट रिकवरी नहीं है इंस्टॉल है तो अपने डिवाइस में लेटेस्ट रिकवरी फ्लैश कर लीजिए। फ्लैश करने के लिए आपको सिंपली जो जिप फाइल है उससे आपको अपने इंटरनल स्टोरेज या माइक्रो एसडी कार्ड में कॉपी कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपका जो ऑरेंज बॉक्स का जो फाइल है इसे आपको क्लैश करना और इसे आपको इंस्टॉल पे स्वाइप कर लेना, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे रिबूट कर लीजिए, जो नई रिकवरी है आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गई उसमें आपके डिवाइस को रिबूट कर लेना। यहाँ पे गाइस आपको अगर चेक करना है आपका फाइल करप्टेड है कि नहीं तो आपको यहाँ पे जो फाइल है उसे आपको ओपन करना है आपके पीसी में। अगर वो सक्सेसफुली ओपन होती है तो इसका मतलब गाइस आपका फाइल भी करप्टेड नहीं है। यहाँ पे गाइस थर्ड इशू आपको फिक्स करने के लिए आपको कोई भी एंड्रॉइड 11 का रॉम यूज करना है, जो कि थोड़ा सा आपको ओल्ड वर्जन देखने को मिले। यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको दिखा दे तो यहाँ पे मैं अगर इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे जो रॉम यूज कर रहा प्रोजेक्ट साकुरा यूज कर रहा। ये रॉम इंस्टॉलेशन के लिए आपको कोई भी बेस रॉम की जरूरत नहीं। अगर आपको एवोल्यूशन एक्स का जो लेटेस्ट बिल्ड इंस्टॉल करना है तो आपको एक बेस एंड्रॉइड 11 रॉम आपके डिवाइस में इंस्टॉल होना जरूरी है, अदरवाइज वो रॉम इंस्टॉल नहीं है। लेकिन गाइस ये जो प्रोजेक्ट साकुरा रॉम है इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी बेस रॉम की जरूरत नहीं है। तो मेरे डिवाइस में अभी के लिए इंस्टॉल है नूसन तारा प्रोजेक्ट, जो कि एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है, 26 जून का बिल्ड देखने को मिलता है, वो इंस्टॉल है मेरे डिवाइस में। अभी गाइस यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट साकुरा फ्लैश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये काफी अच्छे से फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। तो इसे फ्लैश होने देना अपने डिवाइस में, ये आपका बेस रॉम की तरह काम करेगा। ये भी एक एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड रॉम देखने को मिल जाए। और गाइस ये एक लेटेस्ट बिल्ड है, लेकिन गाइस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी बेस रॉम की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं ये रॉम का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये रॉम है इसका इसको आप रॉम को एज ए बेस रॉम यूज कर रहे हो और काफी अच्छे से ये इंस्टॉल हो गई। अब गाइस आपका बेस रॉम रेडी हो चुका है तो आपको यहाँ पे जो आपका मेन रॉम है जो आपको फ्लैश करना है जिसमें आपको एरर देखने को मिलता है उसे आपको यहाँ पे फ्लैश करना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा जो मेन रॉम है इंस्टॉल करना स्टार्ट कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही काफी अच्छे से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अगर ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा दूं तो यही रॉम इंस्टॉल करने में मुझे एरर 1 देखने को मिला, बट गाइस मैंने अगर यहाँ पे बेस रॉम यूज किया इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको एरर 1 का प्रॉब्लम आपके डिवाइस में अगर देखने को मिलता है तो कुछ इस तरह से आपको इसको फिक्स करना। कोई भी बेस रॉम आप यूज कर सकते हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोजेक्ट साकुरा का जो बिल्ड है अगस्त का इसे आप यूज कीजिए, जो आपका लेटेस्ट रॉम से उसे इंस्टॉल करने में काफी अच्छे से बेस रॉम तेरा हेल्प करता है। कुछ इस तरह से आपको एरर 1 का प्रॉब्लम आपके डिवाइस में फिक्स करना। अगर गाइस आप एमआरटॉल के चारों डिवाइस में ये मेथड यूज करोगे तो ये काफी अच्छे से वर्किंग मेथड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवोल्यूशन एक्स का जो लेटेस्ट बिल्ड है ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं आपको बूट करके दिखाऊंगा कि ये इंस्टॉल होने के बाद काफी अच्छे से यहाँ पे बूट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे इंस्टॉल होने का मैं वेट करूंगा। अगर इंक्रिप्टेड है तो मैं फॉर्मेट डेटा करूंगा, अगर डिक्रिप्टेड है तो मैं डिक्रिप्ट की फाइल फ्लैश करूंगा और गाइस अपना डिवाइस यहाँ पे बूट कर लूंगा। तो मेरा जो डिवाइस का स्टेटस है वो डिक्रिप्टेड है तो मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट की फाइल भी यूज करूंगा, मैं उसे भी आपको यहाँ पे फ्लैश करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका बेस रॉम और जो आपका मेन रॉम है दोनों इंस्टॉल हो गया। अब गाइस यहाँ पे मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट करूंगा अपना सिस्टम, क्योंकि मेरा डिवाइस पहले से डिक्रिप्टेड है, इसके लिए यहाँ पे डिक्रिप्ट की फाइल फ्लैश करूंगा। अगर आपका डिवाइस एन्क्रिप्टेड है तो आपको फॉर्मेट डेटा करना है, उसके बाद अपने डिवाइस को बूट करना। यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट साकुरा के ऊपर डर्टी फ्लैश किया था तो यहाँ पे आपको कुछ बग्स ना आए,
जो भी सेटअप विजार्ड में, तो इसके लिए यहाँ पे आपको डेटा कैच और दलविक कैच को इसको आपको वाइप कर लेना। ये वाइप हो चुका है, अभी यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे आपको क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका डिवाइस बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से एरर वन का प्रॉब्लम आपके डिवाइस में यहाँ पे अगर आता है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो काफी सिंपल था मेथड है, आपको कोई भी बेस फॉर्म को यूज कर लेना और काफी अच्छे से यहाँ पे आपका डिवाइस बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डिवाइस बूट होना स्टार्ट हो गया, काफी अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है ये रॉम। और गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में नए रॉम।